जीवाणा में मंत्री चौधरी ने किया चौधरी अनार मंडी का शुभारंभ। सायला उपखंड क्षेत्र के जीवाणा कस्बे में चौधरी अनार मंडी का शुभारंभ शनिवार को समारोह पूर्वक साधु संतों व जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया गया। अनार मंडी का शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन राज्य के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हेमाराम चौधरी के मुख्य अतिथि व जालौर के पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम के दौरान मंत्री सहित अतिथियों ने फीता काटकर मंडी का शुभारंभ किया। उसके बाद मंडी संचालक ज्ञानाराम चौधरी बेडाणा व जिला परिषद सदस्य रामाराम चौधरी सहित कार्यकर्ताओं ने 21 किलो की फूल माला पहनाकर मंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री चौधरी ने कहा कि किसान ही संपूर्ण मानव को अनाज देने का कार्य करते हैं, ऐसे में किसानों की उपज के साथ छलावा नहीं हो वह समय पर पैसा देने की बात कही। वही कहा कि जितनी ज़्यादा मंडियां खुलेगी व जितने ज़्यादा व्यापारी आएंगे उतना ही किसानों को फायदा होगा। जीवाणा में पहले एक अनार की मंडी होने से व्यापारी किसानों के साथ मनमर्जी करते थे और अब जीवाणा में चौथी मंडी का शुभारंभ हो रहा है, ऐसे में कंपटीशन से किसानों के साथ मनमर्जी नहीं होगी, वे अनाज के वाजिब दाम मिलेंगे। वही जल्द ही जीवाणा में सरकारी मंडी खोलने की भी घोषणा की। वही व्यापारियों को किसानों के साथ ठगी नहीं करने की भी बात कही। पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल ने कहा कि किसानों की कोई जात नहीं होती, किसान अन्नदाता हैं, इसलिए किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं करने की बात कही। वह सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। मेघवाल ने कहा कि जीवाणा में सरकारी अनार मंडी खोलना प्रस्तावित है, जमीन का सर्वे हो रहा है। इस दौरान पूर्व लोकसभा प्रत्याशी संध्या चौधरी, पूर्व जिला प्रमुख बालाराम चौधरी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी शवाराम ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में मंडी संचालक ज्ञानाराम ने सभी आए हुए अतिथियों का आभार प्रकट किया। इस मौके पर शेराणा सरपंच अमीराराम देवासी, डाबली सरपंच हनुमान धेडू, खेड़ा सरपंच गणपत राम, बावतरा सरपंच पारसमल, तेजा की बेरी सरपंच प्रतिनिधि नवाब खां, डेलीगेट पीरे खां, सरोज चौधरी सहित कई जने मौजूद रहे। वही मंडी शुभारम्भ पर मुहूर्त में 525 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से अनार की बोली लगी। सर जी, यहाँ किसानों के लिए सरकारी मंडी नहीं है, इसको लेकर आपकी सरकार जमीन नहीं है तो जमीन की कोशिश कर रहे हैं, जमीन की व्यवस्था। एक भारत माला सड़क चल रही है, वहाँ पे जो अंडरपास क्रॉसिंग है उनकी साइज कम है, वो सॉरी करनी चाहिए। किसान फिर वो रास्ते हैं सो कम होंगे तो अपना ट्रॉली वगैरह वहाँ नहीं लेता पाएंगे, तो यहाँ पे किसान धरने पे भी बैठे हैं, इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं दिया है।